हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सिद्दीकी अकबर मिंबर से नीचे आए, हजरत इमाम हुसैन को प्यार फरमाया और प्यार फरमाने के लिए बाहर निकले। प्यार फरमाने के बाद बाहर निकले और बाहर निकले तो हजरत इमाम हुसैन को अपने कंधों पर बिठा लिया। हजरत इमाम हुसैन को सैयदना सिद्दीकी अकबर ने अपने कंधों पे बिठा लिया। आपने सुना होगा कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने शहजादों को अपने कंधों पे बिठा करके मदीना तैयबा में गलियों में फिरते थे। और एक मर्तबा जब जा रहे थे, कंधे पर शहजादे थे, सहाबिये रसूल ने देख लिया। देखने के बाद सहाबी फरमाते हैं, ऐ बच्चे तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है। तो पलट के प्यारे अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था कि मेरे सहाबी, तूने ये तो देख लिया कि सवारी कितनी अच्छी है, अब ये तो देख कि सवार कितना अच्छा है। सवार कितना अच्छा है। सवारी अगर इमामुल अंबिया की है तो सवार इमामुल शहदा है। सवारी बाबरकत है, सवार भी बाबरकत है। और हजरत मोहतरम उसी अदा को अपनाते हुए और उस सुन्नत को अदा करते हुए हजरत सिद्दीकी अकबर अपने कंधे पे जब इमाम हुसैन को बिठाते हैं, बाहर निकले, देखा सामने से मौलाए कायनात तशरीफ ला रहे हैं। मौला अली ने फरमाया, अरे सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आखिर ये क्या है, क्या है? आप फरमाते हैं, जुमला सुने सैयदना सिद्दीकी अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का। आप फरमाते हैं कि मैंने इमाम हुसैन को कंधे पर बिठाया है कि अली खुश हो जाएंगे, अली खुश हो जाएंगे। तो अली की खुशी में नबी की खुशी है। और हजरत मोहतरम इसी तरह जब सैयदना फारूक आजम मिंबर पर थे, हज़रत इमाम हसन मुस्तफा पहुंच गए और सैयदना फारूक आजम से फरमाया कि आप हमारे बाप के मिंबर से नीचे उतरें, अपने बाप के मिंबर पे तशरीफ ले जाएं। आप देखें सैयदना फारूक आजम का जलाल भी आपने सुना होगा, लेकिन ये जमाल देखें सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का। क्या आप मिंबर से उतरे और अपने करीब बिठाया, बगल में बिठाया और बिठाने के बाद फरमाते हैं कि शहजादे, ये मिंबर भी आपके बाप का है और ये गुलाम भी आपके बाप का है। ये मिंबर भी आपके बाप का है, ये गुलाम भी आपके बाप का है। इन अजीम हस्तियों ने हमें ये पैगाम दे दिया कि हमें अहले बैत तहार से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद से किस तरीके से मोहब्बत करनी है, किस अंदाज से उनसे प्यार करना है, किस तरीके से उनसे मोहब्बत करनी है। हजरत मोहतरम मोहब्बत करने का तरीका और सलीका अहले बैत अतहार से हमें बता दिया। हजरत मोहतरम तो ये अजीम शख्सियतें, अजीम हस्तियां जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में फ़र्ज करार दिया है। मैं अर्ज़ कर दूँ कि एक सहाबी रसूल हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर, जो हबीब हैं ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े महबूब थे। हज़रत इमाम हुसैन इनसे मोहब्बत करते थे और हज़रत हबीब इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मज़ाहिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम की दावत की। प्यारे आका अलैहिस्सलाम हबीब ने फरमाया कि आका के साथ साथ फरमा देना कि हज़रत इमाम हसन व हुसैन भी तशरीफ लाएँगे। हज़रत इमाम हसन व हुसैन भी आका के साथ हबीब इब्ने मज़ाहिर के यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत हबीब जब सुबह ही से तैयार हो गए कि आज इमाम हुसैन तशरीफ़ ला रहे हैं, तैयार खड़े थे और छत पे चढ़ गए देखने के लिए कि अब तशरीफ़ लाते हैं, अब तशरीफ़ लाते हैं। घर में खाने का इंतज़ाम हो गया, खाना तैयार हो गया, अब तशरीफ़ लाते हैं। दूर से देखा हबीब ने, कहते इमाम हुसैन नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। जब करीब आए तो उन्हें होश न रहा कि हम ज़मीन पर नहीं बल्कि मकान की छत पे हैं। आगे कदम बढ़ाया इस्तकबाल के लिए कि आगे बढ़ करके आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करें। आगे बढ़े और जब कदम आगे बढ़ाया तो छत से ज़मीन पर आ गए, ज़मीन पर आए और ज़मीन पर आते ही, ज़मीन पर गिरते ही उनकी रूह परवाज़ हो गई। हजरत मज़ाहिर ने अपने बेटे हबीब को ला करके घर
घर में रख दिया उनकी लाश को, और उसके बाद खाने के लिए दस्तरखान बिछा दिया। आका तशरीफ ले आए, दस्तरखान पर खाना लग गया। हबीब हते मजाहिर दस्तरखान पर बैठ गए और आका से फरमाते हैं, आका खाना तनाउल फरमाए। हजरत मजाहिर ने अपने घर में अपनी अहलिया से फरमा दिया कि देखो, जर्रा बराबर भी आका अलैहिस्सलाम को ये खबर न पहुंचने पाए कि मेरा बच्चा इंतकाल कर गया है, इसलिए कि पहली बार प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ ला रहे हैं, उन्हें ये सदमा ना हो, हमारा गम उन्हें ना हो, बल्कि हम इसे जब्त किए रहें। वह आप देखें, लड़के का इंतकाल हो गया है लेकिन एक गम का पहाड़ है, लेकिन जब्त किए हुए हैं। दस्तरखान लग गया, खाना रख गया, और उसके बाद आका से फरमाते हैं हजरत मजाहिर, या रसूल अल्लाह, खाना तनाउल फरमाए। हजरत इमाम हसन व हुसैन भी बैठे हैं। इमाम पाक ने फरमाया, ए नाना जान, मजाहिर ने आपको दावत दी थी, वो तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मुझे दावत हबीब ने दी है, वो यहाँ मौजूद नहीं है। हम तो उस वक्त तक खाना नहीं खाएंगे जब तक जिसने मुझे दावत दी है वो यहाँ मौजूद ना हो। जब ये फरमाया और ये शर्त लगा दी है तो इमाम हुसैन ने थे मजाहिर को बताना पड़ा, या रसूल अल्लाह, मेरा शहजादा इंतकाल कर गया है। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, नाना जान, आप दुआ फरमाएं, मैं आमीन कहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम लाशा हजरत मजाहिर का रखा है। आका अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं और हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आमीन कहते हैं। आपका आमीन कहना था, आका दुआ फरमा रहे थे, हाथ अभी नीचे नहीं आए थे कि अल्लाह ने हबीब को जिंदगी अता फरमा दी। वो उठ करके बैठ गए और उठ करके बैठे तो सारी जिंदगी यही कहते थे, हजरत इमाम हुसैन ने मुझे हयात बख्शी है। और आपको मालूम होगा कि यही हबीब हैं, जब मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन अला जद्दीही वाले सलाम और आपके तमाम रुफका ने जामे शहादत नोश फरमाया, सैयदा ज़ैनब ने आकर के इमाम हुसैन की बारगाह में फरमाया, अरे भाई जान, क्या कोई मदीने से भी हमारे लिए आएगा? तो इमाम हुसैन ने फरमाया था, कोई आए या ना आए, लेकिन हबीब जरूर आएगा। इमाम हुसैन जब करबला में थे, हजरत हबीब मदीने पाक से करबला तशरीफ ले गए और आपने इमाम हुसैन पर अपनी जान का नजराना पेश किया, जो जान इमाम हुसैन के सदके में मिली थी। तो अहले बैत अतहार, इनकी ताज़ीम हमें कैसे करनी है? आप देखें, मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा के और भी शहजादे हैं। हजरत अब्बास अलमबरदार भी मौलाए कायनात के शहजादे हैं, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया भी मौलाए कायनात के शहजादे हैं, लेकिन वो शहजादे जो सैयद कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा के लगते जिगर हैं, उनकी अजमत व शान बेमिसाल है, जंग सिफीन है। मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा ने हजरत मोहम्मद बिन हनफिया से फरमाया कि आप जाएं फला दुश्मन को कत्ल करें। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया तलवार लेकर के आगे बढ़े, लेकिन अभी दुश्मन के करीब पहुंचे ही थे कि देखा इमाम हसन मुज्तबा ने उन्हें कत्ल कर दिया, उस दुश्मन की गर्दन मार दी। वापस आए, कुछ मायूस था, मायूसी थी चेहरे पर। मौलाए कायनात ने फरमाया, आखिर किस वजह से मायूसी है? कहा है मौलाए कायनात, कहा आपने भेजा था मुझे कत्ल करने के लिए, लेकिन भाई हसन ने पहले ही कत्ल कर दिया। आप देखें कि हज़रत मौलाए कायनात जो भी कोई काम होता, या अब्बास से कहते या मोहम्मद बिन हनफिया से कहते और जो शहजादे थे उनसे कहते, लेकिन इमाम हसन व हुसैन से कुछ काम के लिए न कहते। पानी मंगाना होता तो इन्हीं से मंगाते, मुसल्ला मंगाना होता इन्हीं से मंगाते। लोगों ने अर्ज़ किया कि आखिर आप इमाम हसन व हुसैन से किसी काम के लिए नहीं कहते हैं, जो भी काम होता है हजरत अब्बास से कहते हैं, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया से कहते हैं और दूसरों से कहते हैं, इन शहजादों से क्यों नहीं कहते? तो आप मौलाए कायनात का वो जुमला सुने। मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, जब से अल्लाह ने कुरान में हसन व हुसैन को नबी का बेटा कहा है, अली ने नबी के बेटों को हुक्म देना बंद कर दिया। और कुरान में अल्लाह ने इमाम हसन व हुसैन को नबी का बेटा फरमाया है।
मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा को नबी की जान फरमाया है। एक इंसान मोमिन कामिल उस वक्त होता है जब अपनी जान से ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन, कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक अपने माल अपनी औलाद यहां तक कि अपनी जान से ज्यादा नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करें। और नबी की जान कौन है? नबी की जान मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा है। तो मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह की जानिब से नूर आया और रोशन किताब, एक नूर हज़रत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नूर से मुराद नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात, और किताब से मुराद कुरान अजीम। नबी नूर और लेकर के आए एक नूरानी किताब, किताब मुबीन। और आप जानते हैं कि हुज्जतुल विदा के मौके पर जब कुरान की आखिरी आयत करीमा नाजिल हो गई, अल्योम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि अल्लाह ने आज दीन को मुकम्मल कर दिया, अल्लाह ने दीन इस्लाम को पसंद फरमा लिया। तो आप जानते हैं ये आयत करीमा नाजिल हुई, सहाबा खुशी मना रहे थे कि दीन मुकम्मल हो गया, आज अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया। तमाम सहाबा खुशी मना रहे थे, लेकिन एक सहाबी रसूल थे उनमें सैयदना सिद्दीक अकबर, जिनके आंखों में आंसू थे। सैयदना फारूक आजम ने पूछ लिया था, ऐ सिद्दीक अकबर, तमाम सहाबा तो खुशी मना रहे हैं कि आज दीन मुकम्मल हो गया है, इस्लाम मुकम्मल हो गया है, हमारी कुर्बानियां काम आ गई हैं जो हमने बद्र हुनैन और उहद में जंगे खंदक में खैबर में कुर्बानियां हमने पेश की हैं, अल्लाह ने उन कुर्बानियों को कबूल कर लिया है और उसका सिला आज ये दिया है कि आज दीन मुकम्मल हो गया है, आज कुरान मुकम्मल हो गया है, हमारे लिए खुशी का मौका है, हम खुशी मना रहे हैं, हम जश्न मना रहे हैं, और आप रो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? फरासत सिद्दीक अकबर को देखें, सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि यह आयत करीमा मुझसे ये कह रही है कि अब नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज्यादा दिनों तक हमारे करीब दरमियान जाहिरी हयात में नहीं रहेंगे। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया इस आयत करीमा का न कोई ये तर्जुमा है न कोई तफसीर है, आपने ये तफसीर कहां से बयान फरमा दी? आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, प्यारे सिद्दीक ऐसा कह रहे हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जब आयत करीमा सुनी तमाम सहाबा चीख उठे, या रसूल अल्लाह आप नहीं होंगे हमारी रहनुमाई कौन करेगा, आप नहीं होंगे हमारी रहबरी कौन करेगा? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इशारत फरमाया था तरक्तु फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, मैं तो जाने का वक्त आ गया है, मैं अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूं, लेकिन दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। हजरत मोहतरम, छोड़ के क्या जाया जाता है? मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मैं फला चीज़ छोड़ करके जा रहा हूँ, तो पता ये चले मैं वो चीज़ ले करके आऊँ तब तो छोड़ के जाऊँगा, अगर ले करके ना आऊँ तो छोड़ के कैसे जाऊँगा? यहाँ से एक मिजाज मिला। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं दो भारी चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, और दो भारी चीज़ें क्या हैं? किताबुल्लाह वैतरती, एक अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस, और दूसरे अपना खानदान छोड़ के जा रहा हूं। पता चला कि नबी के अहले बैत ऐसे हैं जिन्हें नबी लेके आए हैं, नबी के अहले बैत ऐसे हैं जिन्हें नबी लेके आए हैं, और उम्मत की रहबरी के लिए उम्मत की रहनुमाई के लिए उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, और फिर जमानत दे करके जा रहे हैं कि ये नबी मेरे जो अहले बैत हैं कुरान और अहले बैत ये
हमेशा एक साथ रहेंगे और कभी जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर हमसे आके मुलाकात करेंगे। और यही इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहि सलाम ने जब अपना सर कटा दिया था मैदान करबला में, नेजे पे सर जा रहा था, सरे हुसैन कुरान पाक की तिलावत कर रहा था कि दुनिया देख ले कि आज भी सर तन से जुदा है लेकिन कुरान जुदा नहीं है। सर तन से जुदा है लेकिन कुरान जुदा नहीं है। कुरान आज भी अहले बैत के साथ है और अहले बैत कुरान के साथ है। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, अल हक मा अली व अलीयुन माल हक, कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। अल कुरान मा अली व अलीयुन माल कुरान, कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। आप देखें ये अजीम शख्सियतें जो अहले बैत तहार की हैं, एक एक जात पे भी मिसलो बे मिसाल है। सैयदे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली अरब के सरदार हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह फिर आप क्या हैं? तो आका अली सलातो सलाम फरमाते हैं, मैं औलादे आदम का सरदार हूं और अली अरब के सरदार हैं। सैयदे कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जन्नती औरतों की सरदार हैं। हज़रत इमाम हसन व हुसैन ये जन्नतियों के सरदार हैं। अब आप देखें प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे इरशाद फरमाया कि बेटी बाप के लिए रहमत है, बीवी अपने शौहर का आधा ईमान है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बेटी बाप के लिए रहमत है, बीवी अपने शौहर का आधा ईमान है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन आप देखें तमाम कायनात में सैयदे कायनात वो अजीम हस्ती हैं कि जिनके शौहर मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा हैं। और हर बीवी अपने शौहर का आधा ईमान है, हर बीवी अपने शौहर का आधा ईमान है। हजरत हीफा रज़ी अल्लाह ताला नहा जो मदीने तैयबा की एक अजीम खातून थी, बड़ी ही हसीनो जमील खातून थी, उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बता दें जिससे हमारा ईमान महफूज हो जाए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, ऐ हीफा तुम शादी कर लो तुम्हारा ईमान महफूज हो जाएगा, शादी कर लो तुम्हारा ईमान महफूज हो जाएगा। तो हीफा ने आका अलैहिस्सलाम से फरमाया, या रसूल अल्लाह जब आपने मुझे शादी का हुक्म दिया है आप ही मेरे लिए शोहर भी तलाश कर दें। आका ने फरमाया, सुबह फजर की नमाज में जो पहले आएगा उसी से तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा। और आप जानते हैं पहले आने वाली जात हजरत शोहेब रूमी की थी। और रोम के लोग आज भी बड़े जिस्म वाले काले कलूटे होते हैं। वो आए और आका ने फरमाया, शोहेब तुम्हें हजरते हीफा के साथ निकाह करना होगा। फरमाया, या रसूल अल्लाह मेरे पास तो घर भी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं और नानो नफका अदा करने के लिए कुछ माल भी नहीं है। हिजरत करके आए थे रोम से, वो एक चबूतरा जो आज भी रोज़े पाक के करीब है जिसे सहाबे सुफ़ा के नाम से जाना जाता है, वहीं रहते थे, आका अलैहिस्सलाम से कुरान का इल्म सीखते थे, वहीं जो भी मैसर आता खा लेते। कहा, या रसूल अल्लाह न मेरे पास मकान है नानो नफका अदा करने के लिए कुछ नहीं है। हजरत हीफा को खबर पहुंची, आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह मेरे पास दो मकान हैं, मैं एक मकान हीफा के लिए हज़रत शोहेब के लिए हिबा करती हूँ। मकान तो मिल गया, बिलाखिर आका अलैहिस्सलाम ने शोहेब से हीफा का निकाह भी पढ़ा दिया। और जब हजरत हीफा शोहेब के घर आईं तो आप देखें उनका अमल क्या था। उन्होंने एक लोटे में पानी लेकर के रखा और कहा, आप वजू कर लें, दो रकात नमाज शुक्राने की अदा करें और इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझ जैसे आप जैसे अजीमुल जश्शा और काले शख्स को मुझ जैसी हसीनो जमील बीवी अता फरमाई है और मैं भी दो रकात नमाज पढ़ के इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ने मुझ जैसी हसीनो जमील खूबसूरत औरत को आप जैसा नेक और परहेजगार शोहर अता फरमाया है।
तो हीफा से आका ने फरमाया शादी कर लो, तुम्हारा ईमान महफूज हो जाएगा। इसलिए आका फरमाते हर बीवी अपने शोहर का आधा ईमान है। लेकिन सैयद कायनात सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की शान देखें, कैसी अजीम शान कि जिनके शोहर मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा, और जिनके बारे में जंगे खंदक के मौके पर नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपना अमामा शरीफ सर पे बांधा और तलवार अता फरमाई और कहा जाएं अब इस अब्दुद के मुकाबले में, मौलाए कायनात उस मुकाबले में जाने के लिए तैयार हुए, तो प्यारे आका अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया कि आज मुकम्मल ईमान मुकम्मल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। तो सैयद कायनात सैयदा फातिमा जहरा उस जात का आधा ईमान है जो जात खुद ही मुकम्मल ईमान है, जो जात खुद ही मुकम्मल ईमान है। और फिर हर बेटी अपने बाप के लिए रहमत है, मतलिल आलमीन यानी जो जात खुद सारी कायनात के लिए रहमत है उसके लिए रहमत सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की जात है। और हजरत मोहतरम वो शहजादे जिन्हें हम हसन व हुसैन कहते हैं, तो हर बच्चे की जन्नत उसके माँ के कदमों के नीचे है। लेकिन कुर्बान जाए सैयद कायनात के कदमों के नीचे उन बच्चों की जन्नत है जो बच्चे खुद ही जन्नती जवानों के सरदार हैं, जो बच्चे खुद ही जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो ये अहले बैत तहार नबी के असहाब नबी के अहले बैत ये कितने अजीम हैं, कितने अजमत वाले हैं कि इनकी मोहब्बत ईमान की जान है। और हजरत मोहतरम बड़े बड़ों ने इनकी मोहब्बत में वो कमाल हासिल किया है। अब आप देखें तारीख की औराक शाहिद हैं, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा एक मरतबा नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से अपने मकान पर तशरीफ़ लाए, देखते क्या हैं कि हजरत सलमान फारसी घर के बाहर सूत साफ कर रहे हैं और घर के अंदर सैयद कायनात सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा सूत काट रही हैं। जब